कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो क्या प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर करता है। हमें करंट मेजर करना है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो बहुत बड़ा करंट है गैल्वेनोमीटर कर नहीं पाएगा। रीजन नंबर वन, पहली बात तो बहुत हाई करंट में उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, आर जो भी होगी गैल्वेनोमीटर, तो I²RT से हीटिंग इफेक्ट से वो सड़ सकता है। चलो नहीं भी सड़ता, करंट अगर हाई है तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो सुई जीरो से यहाँ से घूम के 360 घूम के तो वापस आएगी नहीं, तो यार कोई लिमिट है उसकी घूमने की भी, क्योंकि वो लिमिट मीटर बना हुआ है माइक्रो एम्पियर के हिसाब से। तो छोटा करंट है उसे बहुत करंट एंटर हो नहीं सकते, तो डैमेज हो सकता है। तो छोटे करंट ही मेजर करता है, माइनर डिफ्लेक्शंस करता है बस, राइट। तो क्योंकि कॉइल हल्की सी घूम सकती है बस, बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकती। अब मुझे मेजर करना है बड़ा करंट, तो क्या करेंगे, मैं अपने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करूंगा ताकि वो बड़ा करंट मेजर कर सके। कैसे मॉडिफाई करूंगा? मॉडिफिकेशन के लिए सपोज करो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, राइट। आपके पास ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये रहा गैल्वेनोमीटर बस, ठीक है। और आपको जो करंट मेजर करना है वो करंट मेजर करना है आई। अब आई एक बड़ा करंट है, आप सीधा इसमें पास करेंगे नहीं चलेगा, राइट। तो आपको एक काम करना है, आप मेजर तो करना चाहते हैं आई, एक वायर ले और इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस ये लो, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएं एस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत क्या होनी चाहिए, लो, बहुत लो रेजिस्टेंस लगाई। रीजन, क्योंकि जब आई करंट आएगा जो कि बड़ा करंट है, वो इसमें तो पास अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसा रास्ता दिया जिसमें रेजिस्टेंस ऑफर्ड बहुत लो है। उससे क्या होगा, ज्यादा करंट कहां से पास करेगा, उस रास्ते से जिसकी रेजिस्टेंस लो है। तो इसमें ज्यादा करंट इसमें पास कर जाएगा और कम करंट इसमें जाएगा, और हम चाहते भी यही हैं इसमें कम करंट हो, क्योंकि करंट इसमें कम होगा। मान लो इसमें कितना करंट गया, आईजी, इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट गया वो क्या गया, आईजी, लो करंट है जिसको कौन मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है तो ज्यादा करंट इसमें चला जाएगा आई माइनस आईजी, बाहर से रूट हो गया। अब आप कहेंगे कि आई कैसे मेजर होगा इसमें, आई नहीं मेजर होगा, आईजी तो मेजर होगा। तो अगर आईजी मेजर हो जाएगा कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर, और मान लो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी है, जी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो एस इंटू आई माइनस आईजी इज इक्वल टू आईजी इंटू कितना, जी, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि एस रेजिस्टेंस आपने लगाई, आपको पता है आईजी करंट गैल्वेनोमीटर मेजर करके बताएगा, ये भी पता है, आईजी गैल्वेनोमीटर करके बताएगा, और जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी पता है। तो यहां से सारी वैल्यूज पुट करके क्या जाएगा, आई। तो इस तरीके की कैलकुलेशन है, मेजर तो अंदर से आईजी हो रहा है बट हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगा के क्या मेजर करवा रहे हैं, आई, ठीक है। और क्या करेंगे इसे, इसे ना एक बंद डिब्बे में डाल देंगे पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, और लोगों को कहेंगे कि देखो एक नया मीटर आया है जिसका नाम क्या है, एममीटर। एममीटर तोड़ोगे तो अंदर से क्या निकलेगा, गैल्वेनोमीटर। और ये जो लो रेजिस्टेंस है, बहुत लो रेजिस्टेंस जो इसके साथ लगाई जाती है, इस रेजिस्टेंस का नाम है शंट। शंट का मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, शंट का मतलब ऑलवेज इन पैरेलल, और शंट का मतलब हमेशा लो रेजिस्टेंस। तो क्लियर है यहां तक? तो हाउ कैन यू कन्वर्ट, क्वेश्चन आएगा, गैल्वेनोमीटर इनटू एममीटर। तो एममीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एममीटर बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने कर लिया, गैल्वेनोमीटर शंट, यहां से आई करंट आया, आईजी, आई माइनस आईजी, ये पैरेलल में है, पैरेलल से लगा के शंट निकाल ली। तो फॉर्मूला नोट करो एममीटर का टॉपिक लिख के, कि एममीटर में क्या लगती है, शंट इन पैरेलल, और शंट का फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसे प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, शंट का फॉर्मूला।
ठीक है। अब ये बताओ ये पूरी मशीन एक एमीटर है, एमीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इसकी रेजिस्टेंस जी, इसकी एस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? 1/G + 1/S। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस है एमीटर की। अब ये बताओ कि एमीटर में एस बहुत छोटा है, जी तो चलो जैसा भी है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत और भी छोटी आएगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिखाया था इलेक्ट्रिसिटी में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो अगर शंट मान लो 0.001 ओम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एम मीटर की और भी ज़्यादा छोटी आएगी। अब याद करो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्म यूज़ की एम मीटर, उसके आगे हमेशा लिखा गया लो रेजिस्टेंस एम मीटर। एम मीटर बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है? लो रेजिस्टेंस ही होता है। और आपने ये भी नोट किया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने क्वेश्चंस किए थे हम यहाँ एम मीटर लगाते थे, आप पूछते थे इसकी रेजिस्टेंस क्या है, मैं कहता था कुछ नहीं, निगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लो रेजिस्टेंस है। और मैंने ये भी बोलता था आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, निगलेक्ट कर दो उसे, एक्चुअल में तो कुछ होती है 0.00 समथिंग, पर उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझ में आ रहा है?